हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल टमाटो पिकल, टमाटर का अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, साथ ही बनाना बहुत ही आसान। तो ऐसे यम्मी टेस्टी ट्रेडिशनल टमाटर अचार के लिए मैंने लिया है 1 किलो टमाटर। यहाँ पे टमाटर अच्छे पके हुए होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, मतलब सख्त होना है। बहुत ज़्यादा पके हुए नरम टमाटर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे फ्रेश टमाटर 1 किलो। उसके अलावा ये है इमली, 100 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके इसमें सीड्स या जो भी रेशे हैं उसे निकाल लिया है। निकाल के थोड़ा सा धूप में रखा है ताकि इसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए। सरसों 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टेबलस्पून और 1 लहसुन को छिल लिया है और लहसुन को भी थोड़ा सा धूप दिखाया है। और यह है तिल्ली का तेल। और तड़का लगाने के लिए जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और करिया पत्ती। नमक 1/4 कटोरी है, 1 कटोरी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून हल्दी का यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम लोग टमाटर को अच्छे से धो के पोंछ के धूप में रखेंगे। रखने के बाद इसके इस तरीके से कॉर्नर काट के मीडियम साइज़ के पीसेस इसके कट कर लेंगे। टमाटर में बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टमाटर को धो के थोड़ा सा धूप दिखाए ताकि उसमें जो भी नमी हो निकल जाए। अब सारे टमाटर अच्छे से कट गए हैं। अब मैंने रखा है एक पैन। हमें हैवी बॉटम का पैन यूज़ करना है ताकि टमाटर जले नहीं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर को। यहाँ पे मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर डाल के मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढक के मैं 3-4 मिनट तक के पका रही हूँ। 3-4 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली। इमली डालने से पहले हमें ये ज़रूर चेक करना है कि उसमें कोई भी सीड्स या रेशे या गंदगी ना हो। सारी चीज़ें निकाल कर इमली को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक के थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसमें और अच्छे से मॉइस्चर आए और थोड़ा सा इमली पक जाए। अभी मैंने इसे ढक दिया है, ढक के 3-4 मिनट तक के पकने रख दिया है। 3-4 मिनट बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। कटोरी से काउंट करो तो ये 1/4 कटोरी है, बट स्पून से ये 3 टेबलस्पून है। तो पहले मैं 2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और बाकी का नमक मैं बाद में डालूंगी। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही लगता है। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम लोग पकाएंगे। ट्रेडिशनली टमाटर का अचार टमाटर को पहले काट के धूप में सुखा कर बनाया जाता है, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। बट ये अचार बहुत जल्दी बनता है और सेम वही टेस्ट रहेगा जो ट्रेडिशनली टमाटर का अचार होता है। अब टमाटर काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, इसमें का पूरा मॉइस्चर निकल गया है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने रख देते हैं। अभी मैंने एक और पैन रखा है। पैन रख के इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मेथी के दाने और 1 टेबलस्पून सरसों के दाने। डालकर इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे सुनहरा होते तक। अचार बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली का इस्तेमाल किया है। अगर आपको इमली ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हो। अगर आपके टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आप इमली की क्वांटिटी कम कर देना, और टमाटर हाइब्रिड वाले हैं या ज़्यादा खट्टे नहीं है तो आप 100 ग्राम या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये अच्छे से भुन गया है, ठंडा भी हो गया। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। अब ये पाउडर बन गया है, मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम देखते हैं टमाटर। टमाटर काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डाल के हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। अचार बनाने के लिए जो भी बर्तन यूज़ होंगे वो पूरी तरीके से सूखे होने चाहिए, और हम लोग जो स्पून यूज़ करेंगे वो लकड़ी का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक या स्टील का चलेगा, क्योंकि लकड़ी के स्पून में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से लहसुन, और बाकी लहसुन को मैं तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ है। अब मैं सेम उसी कढ़ाई में इसको डाल रही हूँ। आप चाहो तो दूसरे बाउल में भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं सेम उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ। डाल के इसमें हम लोग बाकी के मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कटोरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये तीखा कम रहता है, लाल दिखता है, लुक वाइज अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 1 कटोरी पूरा मिर्च पाउडर डाल दिया है। अगर आप नॉर्मल मिर्च पाउडर डालोगे तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। उसके बाद मेथी और सरसों का पाउडर।
जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राइंड कर लिया था वो भी मैं डाल दे रही हूँ। डाल के बाकी बचा नमक डाल रही हूँ। नमक भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हो। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक डाल के अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि टमाटर में सारे मसाले नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे तड़का। ये अचार आप अच्छे से सावधानी पूर्वक अगर बनाते हैं तो फ्रिज के बाहर रखकर 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं और फ्रिज में रख के 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने रखा है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, तिल्ली तेल, सरसों तेल या फिर जो भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हो वो। जैसे ऑयल गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है लहसुन। लहसुन थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। 1 by 1 हम सारी तड़के की चीज़ें डालेंगे। डाल के अभी मैं डाल रही हूँ जीरा, फिर करिया पत्ती और थोड़ा सा सरसों। टमाटर का अचार बाकी अचार के कंपैरिजन में जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इससे टमाटर का अचार बनाते समय जो भी आप टमाटर चूज़ करेंगे वो एकदम फ्रेश होना चाहिए और थोड़े से सख्त होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पके और नरम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो टमाटर का अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। और टमाटर पकाते समय एकदम अच्छे से पकाना है ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। अब तड़का रेडी है। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। आप देख रहे हैं टमाटर का पेस्ट कितना थिक है, इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब मैं इसको डाली हूँ तड़के में। तड़के में डाल के आप इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर में ऑयल मसाले सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर यहाँ पे ऑयल आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल और भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हैं, बट कोई भी अचार हो ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल कम रहेगा तो अचार ख़राब होने की संभावना रहेगी। अब अचार अच्छे से मिक्स हो गया, ठंडा भी हो गया। इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए कांच या चीनी मिट्टी की बॉटल का यूज़ करना है। उसको अच्छे से धो के पोंछ के धूप में रखना है ताकि उसमें जो भी नमी या मॉइस्चर हो वो निकल जाए। जब वो पूरी तरीके से सूख जाएगा उसके बाद उसमें अचार को स्टोर करके रखें। और जब भी हमें अचार यूज़ करना है तो अचार निकालते समय जो भी हम लोग स्पून यूज़ करेंगे उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये अचार आप फ्रिज के बाहर रखकर 2 से 3 महीने तक और फ्रिज में रख के 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अब आप भी ये ट्रेडिशनल टमाटर का अचार ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।